कहाँ से जाएंगे बताओ आप, ये इजी ये डिफिकल्ट, आपको क्या लगा? डिफिकल्टी ले लेंगे। रावण वाला हंसी आ रहा है, पत्थर में फंस गए। हाँ आगे 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 ले लिए। अरे रे रे रे, मेरा जूता इसमें अटक गया था अभी। चलते जाओ आज का सीन्स बहुत मजेदार है, स्टोरी एक बनता है। चैनल इतना न्यू वीडियो, सो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जो है मेरा नेपाल का पूरी की पूरी जो सीरीज है वो देखे हो। अगर नहीं देखे हो तो बहुत बुरी बात है, डेफिनेटली आप लोगों को देखना चाहिए। तो लिंक जो है यहां पे आपको आई डिस्क्रिप्शन पे आ जाएगा और वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे मैं शेयर कर लूंगा। तो दोस्तों ट्रस्ट मी, नेपाल की जो अपर मुस्तांग वाली जो राइड थी वे मेरे लाइफ के सबसे बेस्ट राइड है, तो आप लोगों को मिस नहीं करना चाहिए। वेल आज की वीडियो आपको बता दूं तो ये हमारे लास्ट दिन का ट्रिप की वीडियो है। आप देख सकते हो कि रोड की कंडीशन क्या है, और उसमें टॉप ऑफ दैट ये हुआ कि हम लोग जो है फंस गए करीब करीब 3-4 घंटे के लिए एक जगह पे। अब किस लिए फंसे आगे देखिए इस वीडियो में, ठीक है? आ जाओ। सबसे ज्यादा मिट्टी वाला पैच है। अभी फिसल जाता। हाँ वहाँ से ले लेंगे, आ जाओ भैया। रुफी भाई उस तरफ आना था, हम लोग गलत ट्रैक ले लिए। बस यहाँ से ऐसे थोड़ा सा लेफ्ट लेने से हो जाएगा। इन लोगों के गाड़ी से फंसा पड़ा है इसलिए वो यहाँ पे खड़े हैं। हाँ क्लच का स्मेल आ रहा है। Well, दोस्तों लाइफ में इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है, और अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड का एक ऑप्शन जैसा लेते हो तो मैं आपको बता दूं कि कुवेरा की जो ऐप है वो सबसे बेस्ट है। इनफैक्ट इसमें जो है एक रोबो एडवाइजरी है जो कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के बता भी देता है कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो ऐसे कुछ फीचर्स है इस ऐप पे, अगर ये आपको आप डाउनलोड करना चाहते हो तो उसकी जो लिंक है मैं शेयर कर लूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप डायरेक्टली जाके डाउनलोड कर सकते हो। चलो निकल तो गए हम, बस हमारे साथियों को निकलना है। अरे रे रे रे। इस भाई साहब कितना गाड़ी फंसा है। हमारे साथी हैं फंस गए सब, और यहाँ देखो कितना गाड़ी है, पूरा जाम। तो जाम लग चुका है। आज क्या नारायण घाट पहुंचेंगे ऐसे जाम में। लग नहीं रहा कि आगे रास्ता होगा। हो गया
निकल गया। Too much of work. थोड़ा हाइट के लिए ज़्यादा दिक्कत होता है मुझे, और नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब कोई ऊंचा जगह पे गाड़ी रह जाता है ना और नीचे पैर नहीं आता है तभी टेंशन हो जाता हूँ। भैया पूरा जाम, कहाँ जाओगे? भैया पूरा जाम, जाओ मत। चलो फाइनली कुछ देर तो निकल गए आगे कुछ दूर, अब देखते हैं आगे क्या होता है। अरे बाबा मौत, देखो टायर पूरा घुस गया अंदर। लिटिल मोर दैट साइड। थैंक यू। चलो निकल गए फाइनली। हाँ बहुत ही डिफिकल्टी से निकल गए फाइनली, नहीं तो फंसे पड़े होते अभी यहाँ पे। हाँ फाइनली खुला रोड मिल गया, कीचड़ ही सही खुला रोड तो मिल गया। अच्छे लोग हैं यहाँ पे, एक ही साइड को गाड़ी लगा के रखे हैं, रोड खाली है। अब देखो ये छोटा गाड़ी है इसमें निकल गया, यशवंत अभिजीत का पता नहीं, उनके बहुत वाइड है गाड़ी, उनके बाइक्स तो निकलने का चांसेस भी कम है। हाँ देखो गांडुओं को, हर कहीं पे गांडू लोग होते हैं, क्या करेंगे।
क्लच पूरा हीट हो गया होगा अभी। फाइनली हम निकल आए, बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम, वो भी पहाड़ियों में, वो भी कीचड़ में। बहुत मेहनत लगा, बाप रे बाप, इसका तो एक वीडियो बनना चाहिए। आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे हमने ट्रैफिक जाम से क्रॉस करके आए नेपाल में, वो भी मुस्तांग डिस्ट्रिक्ट में। सही है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी मज़ा आया होगा कैसे हम स्ट्रगल करते 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 फाइनली लेके आई। अरे अरे अरे, जब भी बाइक ऊंचा जगह पे चला जाएगा ना, फिर थोड़ा सा घबराहट हो जाता है क्योंकि पैर नहीं आता है नीचे, शॉर्ट हाइट होने का डिमेरिट तो है। अभी यहाँ पे हम पैर धो लेंगे, ये पानी में धो दिए, वेरी नाइस वाटर। हाँ, बाइक भी धुल गया, सही है। अभी थोड़ा कहीं पार्क करके अपने दोस्तों के लिए वेट करेंगे, कैन बी हियर और कैन बी एट रेनिंग। थोड़ा आगे ही चले जाते हैं क्योंकि ये जैम जो है कंटिन्यू करेगा। चलो फाइनली मुस्तांग वैली का ऑफ रोड खत्म, और आगे अभी थोड़ा सा बागों के बाद थोड़ा सा रोड ख़राब है, लेकिन वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा जितना हम लोग अभी झेल के आ चुके हैं। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी में जाएंगे, पानी पानी में कीचड़ में जाएंगे। पानी में जाने से अच्छी एडवांटेज ये है, कीचड़ नहीं रहता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स for watching this series. With this I would like to end my Upper Mustang series. तो हमारा Upper Mustang की जो सीरीज है इसी के साथ एंड होगा। वैसे आगे चल के और भी ऐसे ही रोड्स आएगा, लेकिन आप बोर हो चुके होंगे ऐसे कीचड़ 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 देखते देखते, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार यहीं एंड कर देते हैं, ठीक है। और मैं अपना राइड एंजॉय कर रहा हूँ, अपना बारिश भी शुरू हो रहा है तो और भी थोड़ा ज़्यादा एंजॉयमेंट, टू मच ऑफ फन इज हैपनिंग। जो भी हो, Cheers guys and have a great day। और बताइए डेफिनेटली कमेंट्स में कि कैसा लगा आपको सीरीज़। हमें तो बहुत मज़ा आया, मतलब ट्रिप तो बहुत ही मज़ेदार था। अब टू बी ऑनेस्ट, ऐसे मज़ा और ऐसे जो थ्रिलिंग एक्सपीरियंस लाइफ में फिर से दोबारा कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा डाउटफुल है, देखते हैं जो भी होगा। अभी जो है मुझे थोड़ा सा हेल्थ पे कॉन्सेंट्रेट करना है, थोड़ा सा हेल्थ ख़राब है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, तो बहुत सारा डाइट और तो बहुत अच्छे डाइट प्लान करना है और बहुत सारा एक्सरसाइज करना है, उसके बाद फिर मैं कोई और सीरीज में आऊँगा। चीयर्स एंड हैव अ ग्रेट डे गाइस, टेक केयर। अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को फॉलो नहीं कर रहे तो आप लोगों को करना चाहिए, क्योंकि उसी में आते हैं सारे के सारे लाइव अपडेट्स। तो ब्लू बाइकर है मेरा इंस्टाग्राम की प्रोफाइल एंड मेरी चैनल, आप लोगों को पता है आप वहीं पर वीडियो देख रहे हो। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू शुड कंसिडर सब्सक्राइबिंग, ऐसे ही बहुत सारे कंटेंट आने वाला है। चीयर्स एंड हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर। एक चीज़ है, लास्ट टाइम डोमिनल लेके आया था ऐसे कीचड़ में, बहुत जगह पे मैं थोड़ा सा बाइक फंस जाता था, थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन इस बार एक्सपर्ट पे वो सब नहीं लग रहा है। तो ये बड़ा सा एडवांटेज है आपके टायर के साथ। लास्ट टाइम मेरा स्टॉक टायर था, अगर टायर्स अच्छे होते तो और भी अच्छे मजे से कर सकता था वो ट्रिप। तो अगर आप लोग ऑफ रोड पे जा रहे हो तो डेफिनेटली कंसिडर करो कि एक अच्छे सेट ऑफ टायर्स यूज़ करो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बस को मैंने थोड़ा सा सिग्नल दे दिया कि भाई साहब हम आ रहे हैं और आपको ओवरटेक करेंगे, अब कहाँ करेंगे सुविधा देख के। हे
अरे यहाँ रखते हैं, उनके लिए वेट करेंगे, दोस्तों के लिए यहीं रखेंगे और वेट करेंगे।